कई बार सादा सा आइडिया भी आपके लिए कारगर हो सकता है और आपको अपनी परिस्थितियों को नए सिरे से देखने का साहस दे सकता है। बस आपको अपने सामने आने वाली हर संभावना के लिए खुद को खुला रखना है और मानकर चलना है कि आप गलत भी हो सकते हैं। किसी काम को करने का कोई और बेहतर उपाय भी हो सकता है और ऐसा होता भी है। इस वीडियो में ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से बेस्ट थिंकिंग के 7 R आपसे शेयर करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, रीथिंकिंग। फिर से विचार करें। आपको एक बार थमकर सारी स्थिति पर नए सिरे से विचार करना होगा। अपने आप से ये 3 सवाल करें। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं इसे कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या इसे करने का कोई और बेहतर उपाय हो सकता है? जब भी आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने की दिशा में निराशा का सामना करना पड़े तो पीछे हटें और स्वयं से ये 3 सवाल करें। आप पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है या उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप उसे मान रहे थे। और अगर आप स्वयं से बेहतर उपाय के बारे में पूछते हैं तो आपके दिमाग में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने का एक बेहतर उपाय हमेशा मौजूद होता है। नंबर 2, रीइवैल्यूएटिंग। नए सिरे से आकलन करें। आपको जीरो बेस्ड थिंकिंग का अभ्यास करना होगा और काम को अलग तरह से करने की संभावनाओं पर गौर करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरो बेस्ड थिंकिंग क्या है। जीरो बेस्ड थिंकिंग जीरो बेस्ड अकाउंटिंग से आई है। जीरो बेस्ड थिंकिंग में आप स्वयं से खुलकर पूछते हैं, क्या कोई ऐसा काम है जो मौजूदा जानकारी को ध्यान में रखते हुए दोबारा किए जाने वाले कामों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब भी आप वर्तमान हालत से नाखुश हो तो अपने आप से पूछें कि अगर आपके पास यह जानकारी पहले से होती जो अब है, तो क्या आप इस हालात में जाना चाहते? अगर इसका जवाब हाँ में है तो देखें कि आप इस हालात से जल्दी बाहर आने के लिए क्या और कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, रीऑर्गेनाइजिंग। नए सिरे से करें व्यवस्थित। आप अपने आसपास के लोगों और संसाधनों के अनुसार अपने काम करने की दशा में बदलाव लाने का प्रयास करें। अपने काम के दौरान आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? क्या उसमें परिवर्तन आया है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी और उत्पादक लोग कौन हैं? आप अपने काम को नए सिरे से व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं कि आपके सबसे बेहतर व उत्पादक लोग आपके महत्वपूर्ण लक्ष्य पर केंद्रित हो सके। नंबर 4, रिस्ट्रक्चरिंग। नए सिरे से गढ़ें। आपको अपने उस 20% गतिविधियों में नए व उत्पादक लोगों व संसाधनों को शामिल करना होगा जो आपके लिए 80% नतीजे की उत्तरदायी है। वे 20% नतीजे कौन से हैं जो आपको व्यवसाय की 80% आय और लाभ उत्पन्न कराते हैं? आपकी शीर्ष 20% गतिविधियाँ कौन सी है जो आपके कुल नतीजों का 80% परिणाम लाती है? व्यवसाय में आपका प्रधान कार्य यही है कि आय अर्जित की जाए। अपने बेहतर लोगों को उन क्षेत्रों में काम पर लगाएं जो आपकी कंपनी के लिए अधिक आय अर्जित करने का सबसे सकारात्मक प्रभाव रखते हैं। नंबर 5, री इंजीनियरिंग। नए सिरे से करें तैयार। अपने काम और जीवन को सरल बनाने के लिए लगातार उसे करने के नए तरीके खोजें और कुछ ऐसी गतिविधियों को हटा दें जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है। आपको सोचना होगा कि आप किन गतिविधियों और कामों का सरलीकरण कर सकते हैं जिन्हें पूरी तेजी के साथ कम समय और कम पैसे में पूरा किया जा सकता है। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो आप दूसरों को सौंप सकते हैं या किसी विशेषज्ञ से पूरा करवा सकते हैं? ऐसी कौन सी गतिविधियां जो आपको कोई लाभ नहीं देती और आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है? जब भी आप स्वयं से ये सवाल करें तो आपको अपने भीतर से ही कंस्ट्रक्टिव आंसर प्राप्त होंगे जो आपके व्यवसाय को निखारेंगे और आपको बेहतर व तीव्र साधन उपलब्ध कराने में सहायक होंगे। नंबर 6, रीइन्वेंटिंग। नए सिरे से करें तलाश। लगातार कल्पना करें कि अगर आपको सब कुछ नए सिरे से आरंभ करना हो तो आप क्या करोगे। कल्पना करें कि आप अपने काम को आज ही प्रारंभ करने जा रहे हैं, तब आप किन काम को नए सिरे से करना चाहोगे? आप किन कामों को अधिक संख्या में करना चाहोगे? आप किन कामों की गिनती घटाना चाहोगे? ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप बिल्कुल बंद कर दोगे? जब भी आप ये सवाल करेंगे तो आपको हर बार अपने लिए कुछ नए जवाब मिलेंगे जो हर तरह से सहायक हो सकते हैं। नंबर 7, रीगेनिंग कंट्रोल। आपको अपने काम और व्यवसाय से जुड़े सवालों के जवाबों के अनुसार कुछ कदम उठाने होंगे। आप अपने निजी गतिविधियों और कामों के लिए कौन सा एक कदम तत्काल उठाने जा रहे हैं? हर मामले में आपको यही कल्पना करनी होगी कि आपकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आपके भरपूर मात्रा में धन, समय और योग्यताएं तथा काम से जुड़ी सभी संसाधन हैं जो आपके निजी या व्यावसायिक जीवन में काम आ सकते हैं। आपका प्रमुख कार्य यही है कि आप सही काम और उसे पूरे दिल से करने के बारे में स्पष्ट सोच रखते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।